हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है अस्थितंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम। दोस्तों, अस्थितंत्र स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस इस समय जितना भी एग्जाम हो रहा है, मैंने ऑब्जर्व किया कि स्केलेटल सिस्टम से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आप सभी क्वेश्चन इस तरह से रटे रहिए या समझे रहिए कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप फिजिकल एजुकेशन का किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज हैं, थ्योरी सेशन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया गया है, जो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सभी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने बीपीएससी के लिए जो प्रैक्टिस कराया हुआ है, कम से कम 80-85 वीडियोज है, उसको आप जरूर देखिए, चाहे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। तो दोस्तों, इस समय में वन लाइनर क्वेश्चंस एक प्रकार से, जिसमें सभी टॉपिक एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक से रिलेटेड क्लियर करते जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कोशिका एंड मसल्स एंड सारी शिक्षा का इतिहास, खेल मनोविज्ञान इतना कंप्लीट करा दिया। आज का है स्केलेटल सिस्टम यानी अस्थितंत्र, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम के लिए एंड अदर एग्जाम के लिए भी। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, हड्डियों की कोमलता को कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, हड्डियों की कोमलता को क्या कहते हैं? तो ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। यह हड्डियों में कैल्शियम फॉस्फोरस की कमी हो जाने पर होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, याद रखिएगा। जैसे कि आपको विटामिन डी को एंटी रिकेटिक विटामिन भी कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सिफेराल होता है। एंड विटामिन डी की कमी से जो है हमारे शरीर में कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो जाती है, कैल्शियम एंड जो विटामिन डी होता है। ऑस्टियोमलेशिया को क्या कहते हैं? हिंदी में मृदुलास्थि भी कहते हैं। इसलिए हड्डियों की कोमलता को क्या कहते हैं? ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें पसलियां, कुल्हे, जबड़े अधिक प्रभावित होते हैं। एंड ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? जिसमें हड्डियों में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी के कारण पतली, द्रव्यमान में कम, अब बार बार टूटने वाली हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं? तो दोस्तों, परिणाम एवं आकार के आधार पर मानव शरीर की हड्डियों को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सिसमोइड बोन, जिसे कंडरास्थियां भी कहते हैं। लॉन्ग बोन में हमारा हाथों पैरों की हड्डियां, जैसे कि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला आते हैं, जो लीवर यानी उत्तोलक का काम करते हैं, जिसके लंबे अस्थियों के बीच खोखला भाग होता है, जिसे हैवेसियन नाल कहते हैं, जिसमें अस्थि मज्जा का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा से रक्त का निर्माण होता है, ठीक है। और शॉर्ट बोन में जैसे कि हमारा टार्सस एंड कॉर्पस ज्वाइंट, जिसे हमारा कलाई और टखने का जोड़ होता है। एंड फ्लैट बोन, जो चपटा होता है, जिसे हमारे जहाँ की सुरक्षा की आवश्यकता होती है, जैसे हमारे कपाल, पसलियाँ, इसके पुला, ये फ्लैट बोन में आती हैं। एंड इरेगुलर बोन, जो अव्यवस्थित बेडोल होती है, जैसे हमारे चेहरे की हड्डियाँ और रीढ़ की हड्डियाँ इरेगुलर बोन में आती हैं। एंड पांचवा है सिसमोइड बोन, जिसे हम कंडरास्थिया भी कहते हैं, जो टेंडन्स में विकसित यानी कंडरा में विकसित होने वाली, जोड़ों के आसपास होने वाली, जो जोड़ों के आसपास होती हैं, इस प्रकार की हड्डियों, जैसे हमारा पटेला हो गया, ये सिसमोइड बोन होता है, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट दोस्तों, ऑसिपिटल में अस्थि कहाँ स्थित होती है, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए ऑसिपिटल अस्थि कहाँ स्थित होती है दोस्तों। तो ऑसिपिटल हड्डी जो है हमारी खोपड़ी में, स्कल में स्थित होती है। जैसे कि हमारे खोपड़ी में जो, अगर कपाल कहेंगे, स्कल में 29 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी यानी क्रेनियल बोन जो होती है, जिसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, वो 8 होती है। 8 में जैसे कि हमारे सामने वाली जो होती है फ्रंटल, जो बगल वाली होती है पार्श्वास्थि, उससे पेरिटल कहते हैं। फिर हमारे कान के पास की हड्डी को टेम्पोरल, फिर पीछे जो हड्डी होती है ऑक्सीपिटल, फिर स्फेनॉइड एंड इथेमॉइड, ये 8 हड्डियां होती हैं आपकी खोपड़ी की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी कहलाता है। एंड नेक्स्ट दोस्तों, पेरिटल अस्थि कहाँ स्थित है? तो फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल
स्फिनॉइड, इथिमोइड, ये सभी हड्डियां होती हैं हमारे खोपड़ी में यानी क्रेनियल में। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कि शब्द फ्यूजी फॉर्म किससे रिलेटेड है, यह क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ था। जो फ्यूजी फॉर्म है यह शब्द किससे रिलेटेड है, तो फ्यूजी फॉर्म शब्द जो होता है यह अस्थि पेशी से, यह पेशी से संबंधित है फ्यूजी फॉर्म, यानी कंकाल पेशी है, स्केलेटल मसल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है दोस्तों स्टर्नम स्थित है, तो दोस्तों जैसा कि स्टर्नम जो है हमारे वक्ष में स्थित होती है, जिसमें हमारी जो दोनों तरफ 12 जोड़ी पसलियां होती हैं या कुल 24 रिब्स यानी पसलियां होती हैं, जैसे कि आपके बीपीएससी TI2 में 9th-10th में फिजिकल एजुकेशन में एक क्वेश्चन आया था कि फेफड़े किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं, तो फेफड़े किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं, उसमें आसन दिया था रीढ़ की हड्डी, स्टर्नम, पसली का पिंजरा, ठीक है, एंड उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप समझ सकते हैं फेफड़े किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं, तो उसमें रीढ़ की हड्डी, स्टर्नम, ये देख करके आप लोग सोचे होंगे कि रीढ़ की हड्डी भी सही होगा, स्टर्नम भी सही होगा, नो। जैसे कि स्टर्नम, जैसे कि आपका स्टर्नम होता है बीच में, ये स्टर्नम है, यहाँ से आता हुआ ये यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या कहते हैं आपका 12 जोड़ी है, यहीं पे आपका फेफड़ा होता है, यहीं पे आपका फेफड़ा होता है, एक प्रकार से पसलियों की पिंजरा हो जाता है, जैसे पिंजरा होता है उस प्रकार से उसी में हमारा फेफड़ा होता है। तो उसमें राइट आंसर होगा पसलियों का पिंजरा, यानी कि आप कभी रीढ़ की हड्डी स्टर्नम से तो जुड़ा रहता है हमारा जो स्टर्नम होता है पसलिया, बट हमारा फेफड़ा किस में स्थित होता है, तो पसलियों के पिंजरे में होता है, वो राइट होगा, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट दोस्तों स्केपुला अस्थि स्थित होती है, तो स्केपुला अस्थि ऊपरी पश्च में स्थित होती है हमारे कंधे के पीछे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों कुल्हे का जोड़ क्या कहलाता है, तो दोस्तों कुल्हे का जोड़ कंदुक खलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहलाता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है जो चारों तरफ गति करती है, सभी प्रकार के फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, क्या कहते हैं हाइपर एक्सटेंशन, सभी प्रकार की गतियां होती हैं कंदुक खलिका संधि यानी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में, जिसमें दो ज्वाइंट आता है कुल्हे का जोड़ और कंधे का जोड़। नेक्स्ट दोस्तों शोल्डर गर्डर में हड्डियां स्थित होती हैं, तो हमारा जो शोल्डर गर्डर होता है इसमें क्लेविकल जो हमारे उरोस्थि के प्रथम भाग से आकर जाती है पतली सी, जिसको हम हसुली भी कहते हैं, और स्केपुला, ये दोनों हड्डियां होती है शोल्डर गर्डर में, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है दोस्तों दो पार्श्विक हड्डियों के बीच के जोड़ को क्या कहा जाता है, पार्श्विक हड्डियां मतलब पेराइटल जो बोन होती है हमारे खोपड़ी में क्रेनियल में पाया जाता है, और हमारे खोपड़ी के जोड़ को अचल संधि कहा जाता है, क्या कहा जाता है खोपड़ी के जोड़ को अचल संधि, यानी फेस ज्वाइंट, फाइबर ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, और कील संधि या तंतु संधि भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। तो हमारे अचल संधि के अंतर्गत सूचर, जो खोपड़ी के जोड़ को सूचर बोला जाता है, जिसमें से और एंड सिंडोमोसिस जो लंबे फाइबर तंतु, एंटीरियर टिबिया फिब्यूला ज्वाइंट, एंड गोम्फोसिस जो हमारे जिस गोम्फोसिस को पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट भी कहते हैं, जो हमारे दांतों के जोड़ को गोम्फोसिस या पेग एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं, याद रखिएगा। दांतों का जोड़ भी अचल संधि में आएगा। एंड एक होता है साइकोइलियक जोड़, जो सैक्रम हड्डी का बाहरी भाग इलियक हड्डी से जुड़ा रहता है, कुल्हे में स्थित होता है। तो जैसे कि तो दो पार्श्विक हड्डियों के बीच के जोड़ को हम कहते हैं, ये अचल संधि के अंतर्गत सूचर के अंतर्गत आता है, सेजिटल सूचर, तो खोपड़ी के जोड़ को सूचर कहा जाता है, जिसमें से सेजिटल सूचर, क्रोनल सूचर एंड लैम्बोइड सूचर होता है। जैसे कि मैं हड्डियों के जोड़ जो ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स वाले वीडियो में डिटेल में इन सब के बारे में बताया हुआ है। दोस्तों एक क्वेश्चन आया हुआ था कि हमारा जो कुल्हा जो है किस प्रकार से जोड़ से जुड़ा हुआ है, किस लिगामेंट को कुल्हे के जोड़ का सबसे मजबूत लिगामेंट कहा जाता है, तो इलियोफेमोरल लिगामेंट होता है। कौन सा लिगामेंट होता है, इलियोफेमोरल फेमोरल लिगामेंट, याद रखिएगा। किस लिगामेंट को कुल्हे के जोड़ का सबसे मजबूत लिगामेंट कहा जाता है, तो इलियोफेमोरल लिगामेंट, जो इलियक हड्डी से जुड़ा रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों इथामोइड हड्डी स्थित होती है, तो दोस्तों इथामोइड हड्डी जो होती है वो कहां पे स्थित होती है, तो यहां पे इथामोइड
ये नाक की छत को बनाती है, ये तो होता है हमारे खोपड़ी के अस्थि में ही आता है जठराष्ठि, लेकिन यहाँ पे नाक से जुड़ा, नाक से तो जुड़ा रहता है बट ये खोपड़ी के अंतर्गत ही आता है दोस्तों, यहाँ पे नाक दिया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव शरीर में वक्षीय कशेरुका या थोरैसिक वर्टिब्रा कितने होते हैं, तो जैसे कि दोस्तों ये थोरैसिक वर्टिब्रा वक्षीय जो है 12 होते हैं, जो हमारे वर्टिब्रा होती हैं यानी कि मेरुदंड में जो वर्टिब्र कॉलम में जितने हड्डियां होती हैं कशेरुक दंड में वर्टिब्रा, वो बच्चों में 33 और वयस्कों में 26 होते हैं। तो जैसे कि हमारे जो पहला होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसमें 7 होते हैं, सबसे पहला एटलस होता है, याद रखिए ये भी क्वेश्चन पूछा है, पूछा जाता है कि सर्वाइकल बोन में सबसे पहला हड्डी कौन होता है, एटलस, फिर दूसरा एक्सिस होता है, एंड वक्ष थोरेसिक बोन में 12 हड्डियां कशेरुकाएं होती हैं, और लंबर यानी कटी में 5 और सेक्रल में 5 होती हैं, जो वयस्क होने पर 5 मिलकर 1 हो जाती है, और कॉक्सीजियल भी 4 होती है, और जो बड़े होने पर वयस्क होने पर 4 मिलकर 1 हो जाती है, इसलिए बच्चों में 33 और बड़ों में वयस्कों में 26 कशेरुका होती है। नेक्स्ट है सभी साइनोवियल संधियां उदाहरण हैं, तो जितने भी साइनोवियल संधियां हैं वो सचल संधि यानी कि चल संधि के उदाहरण है। जैसा कि आपको पता है जो संधियां होती हैं हमारे शरीर में ज्वाइंट्स जो है 3 प्रकार की हैं, चल, अर्धचल, अचल संधि। चल संधि को हम साइनोवियल या डायर्थ्रोसिस या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट्स भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत 6 ज्वाइंट्स आते हैं, फिसलने वाले या ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो कार्पस टॉर्सस जोड होते हैं, बाल एंड साकेट ज्वाइंट जिसमें हमारा शोल्डर एंड हिप ज्वाइंट आता है, हिंज ज्वाइंट जो एक तल में गति होती है जैसे कि हमारे कोहनी यानी कि नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट एंड उंगलियों का ज्वाइंट, जबड़ों का ज्वाइंट, कॉर्नेलॉयड ज्वाइंट जो 2 तल में गति होती है जैसे हमारा रिस्ट यानी कलाई का जोड़, एक होता है धुराग्र संधि यानी पिवट ज्वाइंट जो सिर्फ रोटेशन मूवमेंट करता है जैसे हमारे सिर की गति, एंड रेडियस अनला हड्डी जिसमें सुपाइनेशन प्रोनेशन मूवमेंट होता है, एंड छठा होता है पृष्ठ संधि यानी सैडल ज्वाइंट जो परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि होती है जो किसी भी दिशा और तल में गति करती है, जैसे हमारे अंगूठा किसी भी उंगली के सामने जा सकता है, तो चल संधि हुआ। एंड अचल संधि जो होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा गति होता है, इसे जैसे जिस अचल संधि को हम सिकली मूवेबल ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट आदि नामों से जानते हैं। अर्धचल संधि में हमारा इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट यानी कि रीढ़ की हड्डी का जोड़ आता है, और पीबिक सिंफेसिस यानी कि टेल बोन के पास का जोड़ कुल्हे का सबसे निचला हिस्सा आता है, और हमारे रिब्स यानी पसलियां आती हैं। अब होता है अचल संधि, अचल संधि जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, जिसे कील संधि या तंतु संधि भी कहते हैं, जिसे हम फिक्स ज्वाइंट, फाइबर्स ज्वाइंट, साइनोथोसिस ज्वाइंट एंड इमूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं, जिसमें सूचर आता है जिसे खोपड़ी का जोड़ आता है जिसको सूचर कहते हैं, और एंटीरियर टिबिया फिबुला ज्वाइंट आता है जिसे नमोसिस बोलते हैं, हमारे दांतों का जोड़ आता है अचल संधि में जैसे हम गोम्फोसिस या पेग एंड साकेट ज्वाइंट कहते हैं दांतों के जोड़ को। तो दोस्तों जैसा कि एक मैंने ट्रिक बताया था डास DAS, चल, अर्धचल, अचल, डी से डायर्थ्रोसिस, ए से एम्फियार्थ्रोसिस, एस से साइनोथ्रोसिस, DAS डास, डी से डायर्थ्रोसिस चल संधि को कहते हैं, ए से एम्फियार्थ्रोसिस अर्धचल संधि को कहते हैं, एस से साइनोथ्रोसिस अचल संधि को कहते हैं। साइनोथ्रोसिस अचल संधि, साइनोवियल ज्वाइंट कहेगा तब चल संधि, क्योंकि हमारे जो 2 हड्डियों के ज्वाइंट्स होता है वो लिगामेंट से जुड़ा होता है, और वहीं पे एक द्रव होता है जो साइनोवियल द्रव होता है जो हड्डियों को लुब्रिकेंट्स प्रदान करती है, उसको खत्म नहीं होने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपाल अस्थियां उदाहरण हैं, तो कपाल अस्थियां जो है किसकी उदाहरण है, तो आकार आकृति का धावा 5 भागों में बांटा गया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, एसिसमॉइड बोन, तो ये चपटी अस्थियों के उदाहरण है यानी कि फ्लैट बोन की। नेक्स्ट है गाउटी अर्थराइटिस का कारण है, गाउटी अर्थराइटिस हमारे हड्डियों के जोड़ों में होता है दोस्तों, जो हमारे हड्डियों के जोड़ों में जो साइनोवियल द्रव होता है अगर वो
कम हो जाता है तो हमारे हड्डियां एक दूसरे में टकराने लगती हैं, घिसने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीरम यूरिक एसिड का बढ़ जाता है जिससे सानिवल द्रव कम हो जाता है और अर्थराइटिस हो जाता है। नेक्स्ट है प्रथम कैसुरिका किसे कहते हैं, तो प्रथम कैसुरिका कौन होता है, तो सर्वाइकल बोन में सात होते हैं, तो जिसमें एटलस सबसे पहला होता है। प्रथम कैसुरिका एटलस होता है, अदिति कैसुरिका एक्सिस होता है। नेक्स्ट है ग्रीन स्ट्रीट फ्रैक्चर किनमें सबसे आम है, तो बच्चों में ये होता है ग्रीन स्ट्रीट फ्रैक्चर, जो हड्डियाँ टूटती रही है बल्कि मुड़ जाती है, कोमल होती हैं। एंड नेक्स्ट है किस प्रकार के मांसपेशी संकुचन में मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है और कोई जोड़ या अंग गति नहीं होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे आइसोमेट्रिक संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक संकुचन, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, पेशियों की लंबाई में कोई चेंज नहीं होता है, जैसे दीवार से धक्का मारना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कील ज्वाइंट संबंधित है, दोस्तों कील संधि या तंतु संधि अचल संधि को कहते हैं, ठीक है, तो तंतु संधि से यहाँ पे रिलेटेड है। नेक्स्ट है क्यूबॉइड अस्थि शरीर में कहाँ स्थित होती है, तो दोस्तों क्यूबॉइड अस्थि जो है हमारे पैर में स्थित होती है, हमारे पैर की जो टार्सस हड्डियाँ होती हैं, टार्सल हड्डियाँ, कार्पल जो हमारी कलाई होती है और टार्सस हमारा टखना होता है, कलाई में कार्पस कुल 8 × 16 8 8 होते हैं 16, और जो टार्सल बोन होते हैं टखने का वो 7 7 होते हैं, दोनों पैरों में एक एक में 7, तो टार्सल बोन 7 होते हैं दोनों पैरों को मिलाकर 14। तो टार्सल ज्वाइंट का मैंने सभी हड्डियों को याद करने का ट्रिक बताया था, CCTNC, सी से पहला सी से कैल्केनियम जो एडी का हड्डी बनाती है, दोनों हड्डियों दोनों पैरों में एक एक होता है, फिर सी दूसरा सी से क्यूबॉइड जो कैल्केनियम यानी एडी की हड्डी के सामने से 2 मेटाटार्सल हड्डी से जुड़ी रहती है, फिर होता है तीसरा सी, फिर टी से होता है टेलस जो हमारे पैर का केंद्र बनाती है, और फिर नेविकुलर यानी से नेविकुलर और सी से क्यूनिफॉर्म, यानी कि CCTNC याद कर लीजिए, जो हमारे टखने का ज्वाइंट है टार्सल्स में जो हड्डियाँ होती हैं साथ साथ, CCTNC मतलब कैल्केनियम क्यूबॉइड, टी से टेलस, एन से नेविकुलर, सी से क्यूनिफॉर्म, आज से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे बड़ी सीसामोइड अस्थि कौन सी है, सीसामोइड जैसे कि हमारा आकार आकृति के आधार पर हड्डियों को 5 भागों में बटा गया है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन एंड सीसामोइड बोन, जो कंडराओं यानी जोड़ों के आसपास होती है। तो सबसे बड़ा सीसामोइड अस्थि होती है कंडरास्थि होती है पटेला, जो हमारे घुटने पर होती है, इसको परिवर्तनीय हड्डी भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको रिप्लेसमेंट किया जा सकता है, यानी कृत्रिम पटेला वहां पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों स्कोलियोसिस से संबंधित एक आसनीय विकृति है, तो एक बॉडी पोस्चर विकृति है, डिफॉर्मिटीज है ये रीढ़ की, जब रीढ़ की हड्डी जो है जो कंधा है दूसरी तरफ और हिप दूसरी तरफ मुड़ जाता है, यश की आकृति बनाता है सी या यश की, तो इसे हम स्कोलियोसिस कहते हैं और इसको स्कोलियोमीटर से मापा जाता है, और इसको लेटरल डिविएशन ऑफ स्पाइन भी कहते हैं, पार्श्विक विकृता भी कहते हैं, याद रखिएगा एक चीज का कई नाम है, सभी नामों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी हमारे कान की स्टेपस है, जैसे हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती है, मिस यानी MIS मिस यानी कि यम से मैलिस, ई से इनकस, सी से स्टेपस, मिस, ठीक, कान की हड्डी को याद रखने का ट्रिक है मिस MIS यानी मैलिस इनकस स्टेपस, ठीक, सबसे छोटी है स्टेपस, सबसे लंबी है और भारी है हमारे फीमर जांघ की, याद रखिएगा। एंड और सबसे मजबूत हड्डी होती है दोस्तों हमारे निचले जबड़े की मैंडिबल हड्डी और मसल्स में मसेटर मसल्स। नेक्स्ट है वच वाली अस्थि का शरीर रचनात्मक यानी एनाटॉमिकल नेम क्या होता है वच की हड्डी का, तो स्टर्नम, जिसमें हमारे दोनों तरफ 12 12 जोड़ी पसलियां जुड़ी रहती है, स्टर्नम के 3 भाग होते हैं, मैनुब्रियम, ग्लैडियोलस, जीफाइड, याद रखिएगा। और स्टर्नम की जो लंबाई होती है कम से कम 17 सेंटीमीटर लंबा वयस्को में होती है। स्टर्नम के 3 भाग कौन कौन से, मैनुब्रियम, ग्लैडियोलस, जीफाइड। मैनुब्रियम जो पहला वाला चौड़ा भाग होता है
उसमें से दोनों हासुली यानी कैल्केनियम हड्डी निकलती है, और जो दूसरा वाला भाग होता है मध्य वाला ग्लैडियोलस, इसमें 7 जोड़ी पसलियां जिसे हम ट्रू रिब्स कहते हैं वो जुड़ी रहती है। और फिर G5 जो निचला भाग होता है ये उपास्थियों का बना होता है, इसके नीचे हमारे लीवर एंड अमाशय यानी स्टोमस एंड पित्ताशय और तिल्ली सुरक्षित रहती है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है जांग की अस्थि का शरीर यानी संरचनात्मक नेम यानी कि एनाटॉमिकल नेम क्या है। तो जांग की हड्डी का नाम है फीमर, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी और भारी अस्थि होती है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है। आपको पता है सबसे अधिक पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट, जो अस्थियों को मजबूत बनाए रखता है। कैल्शियम फॉस्फेट क्या करता है, अस्थियों को मजबूत बनाए रखता है कैल्शियम फॉस्फेट। एंड नेक्स्ट है कि शरीर में इसके फायर अस्थि कहाँ पे होती है। तो इसके फायर अस्थि जो होती है हमारे कला यानी कार्पस में होती है। याद रखिएगा जब एक टखने का यानी टार्सस आप याद रखे रहेंगे तो उसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि टार्सस मैंने बताया था सीसीटीएनसी यानी कैल्केनियम क्यूबॉइड टेलस नेविकुलर क्यूनिफॉर्म, अब यहाँ पे इसके फायर बोला है। तो कार्पस में कलाई की हड्डियाँ कार्पस कितनी होती हैं, 8 होती हैं। याद रखिएगा 8 हड्डियाँ होती हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 होती हैं, कुल 16 होती हैं। तो एक कलाई में कितनी होती हैं, 8 यानी कार्पस बोन की संख्या होती है 8, दोनों में मिलाकर पूछेगा तब 16 कहेंगे। तो ऊपरी पंक्ति में 4 होती हैं जैसे कि स्केफायर ल्यूनेट ट्राइक्वेट्रल विसीफॉर्म, निम्न पंक्ति में ट्रेपीजियम ट्रेपीजाइट कैपिटेट हैमेट, ये हमारे कलाई की यानी कार्पस बोन होती हैं। तो यहाँ पे स्केफायर हड्डी कहाँ पाई जाती है दोस्तों, कलाई यानी रिस्ट में पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां क्या कहलाती हैं। तो जो अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां होती है उसे रेखित पेशियां या स्केलेटल मसल्स या कंकाल पेशियां कहते हैं, जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। नेक्स्ट है दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों। तो कैल्शियम फॉस्फोरस जो होता है वो दांतियों हड्डियों की मजबूती के लिए अच्छा होता है, इसी कमी से ये कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है मानव खोपड़ी यानी स्कल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो मानव खोपड़ी यानी स्कल में हड्डियों की संख्या कुल होती है 29। हायर बोन जो हमारे कंठ की हड्डी होती है उसको मिला करके कितना होता है 29। यहाँ पे 28 दिया है तो 28 भी राइट होगा, 22 दिया रहेगा तो 22 भी राइट होगा, 29 दिया रहेगा तो 29 भी राइट होगा, जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा वैसा आप टिक लगाएंगे। जो हमारे कपाल की यानी स्कल बोन होती है 29 होती है, जिसमें से खोपड़ी यानी क्रेनियल बोन 8 होती है, जिसमें फ्रंटल पैरिटल टेम्पोरल ऑसिफिटल स्पिनॉइड इथमॉइड होता है, और हमारे फेशियल बोन यानी चेहरा की 14 होती है, कान में 6 होती है दोनों तरफ 3-3, और कंठिका यानी हायर बोन 1 होता है। कुल मिलाकर के स्कल में कपाल में 29 हड्डियां होती है। हमारे कपाल के अंतर्गत हमारी खोपड़ी यानी क्रेनियल चेहरा कान कंठिका या हायर बोन ये सभी आते हैं, यानी गर्दन से ऊपर का सभी भाग हम खोपड़ी यानी खोपड़ी कहते हैं स्कल। नेक्स्ट है रेडियस अल्ना हड्डी किस अंग में स्थित होती है। तो आपको पता है अग्रबाहु यानी फोर आर्म हमारे हाथ में होता है, जो हमारे अंगूठे से लेकर कोहनी तक एल्बो तक जाता है उसे हम रेडियस कहते हैं, जो हमारी छोटी उंगली से लेकर एल्बो तक जाती है कोहनी तक उसे हम अल्ना कहते हैं। नेक्स्ट है अंश फलक यानी स्कैपुला कहाँ स्थित होती है। तो ऊपरी पीठ में स्थित होती है, ठीक है, हमारे कंधा स्कैपुला। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है दोस्तों। तो हमारे निचले जबड़े की यानी मैंडिबल होती है, इसी पर हमारा मसल्स चढ़ा होता है जिसे मसेटर मसल्स कहते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत मसल्स होती है। नेक्स्ट है हड्डी का कड़ापन किस तत्व के कारण होता है। तो कैल्शियम के कारण हमारे हड्डी का कड़ापन होता है, जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोमलेशिया यानी कि मृदुलास्थि रोग हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों ह्यूमरस हड्डी स्थित होती है। तो ह्यूमरस हड्डी हमारे ऊपरी अपर लिम्ब में स्थित होती है, जैसे कि हमारी हड्डियां जो है हमारे शरीर में 2 से 6 हड्डियां पाई जाती है, जिसमें से एक्सियल बोन जो अच्छी कंकाल होती है 80 होती है, जो अपेंडिकुलर यानी अनुबंधीय कंकाल होते हैं 126 होती हैं। एक्सियल बोन में हमारे 29 कपाल के हो गए स्कल, और 33 यानी 26 हो गए मेरुदंड के, 24 पसलियां हो गए, 1 आपका उरोस्थि हो गया स्टर्नम, और जो अपेंडिकुलर 126 होती है हमारे अनुबंधीय कंकाल उपांगी, जिसमें से हमारा अपर लिम्ब में 64 हड्डियां हो गए, जिसमें हमारा क्लेविकल स्कैपुला ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पस मेटाटर्स, यानी कि क्लेविकल 2 हैं, स्कैपुला 2 हैं, ह्यूमरस 2 हैं, रेडियस
दो अल्ना, दो कार्पस, आठ आठ 16 हो गए, एंड मेटा कार्पस 5 5 10 हो गए, एंड फ्लैंजियस यानी उंगलियां हो गई 14 14, एक एक हाथ में 14 14 28। इस कुल मिलाकर के अग्र भाग यानी अपर लिम्ब में 64 हड्डियां हो गई, और लोअर लिम्ब में 62 होते हैं, यानी 62 64 मिला के 126, और 126 और 80 कितना हो गए 2 से 6। तो लोअर लिम्ब में 62 होते हैं, जैसे हमारे पेल्विक जो हमारे कुल्हे में होता है 2, फीमर 2 होते हैं दोनों पैर में, एंड पटेला दोनों पैर के घुटने में 2 हो गया, टीबिया अंगूठे की तरफ से हड्डी जो घुटने तक जाती है 2 हो गया, फिबुला जो छोटी उंगली की तरफ से घुटने तक जाती है वो हो गया 2, एंड टार्सल जो हमारे एड़ी बनाती है 7 7 हो गया दोनों पैर में 14 हो गया, मेटाटार्सल पांव जो होता है पैर की तलवा जो बनाती है 5 5 10 हो गया, फैलियल अंगुलियां दोनों पैरों में 14 14 होती है 28, यानी कि कुल मिलाकर के 62 हो गया लोअर लिम में, अपर लिम में 64 62 64 126, यानी अपेंडिकुलर हड्डियों कितनी होती हैं 126, और अच्छी कंकाल कितनी होती है 80, कुल मिलाकर के 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं। नेक्स्ट है मेरुदंड वर्टिब्रल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, दोस्तों तो 33 होती है बच्चों में, और वयस्क होने पर 26 हो जाती है, क्योंकि जो सेक्रल बोन 5 होती है वो मिलकर 1 हो जाती है वयस्क होने पर, जो कॉक्सिजियल बोन होती है 4 वो मिलकर 1 हो जाती है वयस्क होने पर, तो वयस्कों में पूछेगा तो 26, और वैसे ही पूछेगा कितने होते हैं तो 33, और बच्चों में पूछेगा तो 33। नेक्स्ट है कौन मानव शरीर में सबसे लंबी और भारी हड्डी होती है, तो फीमर होती है जांघ की। नेक्स्ट है मानव शरीर में फेशियल हड्डी यानी चेहरों की हड्डियां कितनी होती है, तो 14 होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो 206 पाई जाती हैं, एक्सियल 80 और अपेंडिकुलर 126। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, तो 12 जोड़ी पाई जाती है, दोनों तरफ स्टर्नम से जुड़ी होती है, यानी कुल पूछेगा तो 24 और जोड़ों में पूछेगा तो 12 जोड़ी। नेक्स्ट है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को किस नाम से जाना जाता है, तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दबाव के बीच के अंतर को पल्स प्रेशर के नाम से जाना जाता है, पल्स प्रेशर 30 से 40 mmHg तक होता है, जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है 100 से 130 mmHg और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है 70 से 90 mmHg होता है। जैसे कि आपको पता है ब्लड प्रेशर जो है 80 120 होता है, 80 120, जब 130 एंड 90 130 हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, अगर उसे 120 से 80 से कम होता है तो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है घुटने का परिवर्तनीय अस्थि किसे कहते हैं, तो घुटने का परिवर्तनीय हड्डी जो है दोस्तों पटेला होता है, जिसे हम रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, कृत्रिम हड्डी वहां पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो उर्वशी यानी फीमर होती है सबसे लंबी और भारी। नेक्स्ट है स्कंधास्थि यानी कि स्कैपुला कहाँ पे स्थित होती है, तो पीठ के ऊपरी भाग में अपर बैक में स्थित होती है। नेक्स्ट है दोस्तों मानव रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाएं कितनी होती हैं, तो 26 होती हैं, बच्चों में पूछेगा तो 33 और मानव यानी वयस्क में पूछेगा तो 26। नेक्स्ट दोस्तों किस स्थिति में वर्टिब्रल डिस्क पर सबसे ज्यादा दबाव होता है, तो हमारे वर्टिब्रल डिस्क को सबसे ज्यादा दबाव होता है बैठने पर। नेक्स्ट है सामान्य वक्ष मेरुदंड पहले से 12वें कशेरुका का कायोप्टिक कोण कितना होता है, तो पहले से जो वक्ष का हमारा होता है थोरेसिक बोन कशेरुका होता है 12, तो पहले से 12वें या दोनों का कायोप्टिक कोण कितना होता है, तो 20 से 45 डिग्री के बीच। नेक्स्ट दोस्तों मानव अस्थि पंजर के घुटने तथा हाथ और पांव में पाई जाने वाली अस्थियां कहलाती हैं, तो घुटने यानी कि जोड़ जोड़ के आसपास जो टेंडन्स के आसपास कंडराओं के आसपास हड्डियां होती हैं उसे कंडरास्थियां या सीसमोइड बोन कहते हैं, सबसे बड़ी सीसमोइड बोन है घुटना का पटेला। नेक्स्ट है कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में इस कारण से होती है, क्यों होती है दोस्तों, क्योंकि कैल्शियम जो है हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है दोस्तों स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति यानी कि डिफॉर्मिटीज को मापने का यंत्र है, तो स्कोलियोसिस को मापने का यंत्र है स्पाइनोग्राफ। स्कोलियोसिस क्या होता है, हमारे रीढ़ की हड्डी एक तरफ दूसरे कंधा दूसरी तरफ और हिप दूसरी तरफ झुक जाता है, जिसे एस की आकृति या सी की आकृति बनाता है, जिसको हम लेटरल डिविजन ऑफ स्पाइन या पार्श्व विकृति भी कहते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, हैमस्ट्रिंग नामक मांसपेशी कहाँ होती है? तो मैं कल ही के वीडियो में मैंने बताया था कि हैमस्ट्रिंग मांसपेशी जो है वो प्रयोग होता है घुटने के मोड़ने में। जो हमारे जांग के पीछे वाले मसल्स होती है हैमस्ट्रिंग ग्रुप की होती है। हैमस्ट्रिंग जो है तीन पेशियों के ग्रुप से बना होता है, जैसे कि बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस, सेमी टेंडेनियस। इन तीन पेशियों से मिलकर बना होता है हैमस्ट्रिंग मसल, जो हमारे घुटने को मोड़ने में काम आती है। और घुटने के ऊपर जो स्थित होता है, जो जांग के ऊपर स्थित होता है, जांग के सामने, वो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होती है, जो चार पेशियों से मिलकर बनी होती है, जैसे कि रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियलिस। चार पेशियों से मिलकर बनना होता है जांग के ऊपर की पेशी, जिसे क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, जो हिप को मोड़ने और घुटने के प्रसार करने में काम आती है। नेक्स्ट दोस्तों, फ्लैट बैक यानी चपटी पीठ का संबंध शरीर के किस भाग से होता है? तो लंबर भाग से। किस भाग से होता है फ्लैट बैक का संबंध? लंबर भाग से, यानी कि हमारा जो लंबर यानी कमर वाला भाग होता है, उसमें गड्ढा हो जाता है, कर हो जाता है। तो याद रखिएगा, चपटी पीठ फ्लैट बैक की बात करेगा तो लंबर भाग कमर वाला भाग हो जाएगा। फ्लैट बैक की बात कर रहा है दोस्तों, जब वहां पे पीछे वाला भाग उठ जाता है यानी गोल गोल हो जाता है, उसको हम कुबड़ा कहते हैं, काइफोसिस कहते हैं, जो वक्ष वाले भाग में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे फेशियल बोन कितनी होती है? तो 14 होती है। मनुष्य के सिर में यानी कि क्रेनियल बोन कितनी होती है? तो 8 होती है। 8 बोन में कौन कौन है? फ्रंटल, पेरिटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉयड, इथमोयड। नेक्स्ट दोस्तों, सर्वाइकल हड्डी यानी कि सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है? तो 7 होती है। हमारे जो वर्टिब्रा होती है कुल 33 होती है बच्चों में, और वयस्कों में 26 होती है, जिसमें से हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है। थोरेसिक यानी वच की 12 होती है। कट यानी लंबर की कमर वाले भाग की 5 होती है। सेक्रल 5 होती है। कॉक्सिजियल 4 होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में बाल एंड साकेट ज्वाइंट कितने होते हैं? तो 2 होते हैं दोस्तों, हमारा हिप और जो हिप एंड कंधा यानी शोल्डर, ये दोनों ज्वाइंट जो होते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होते हैं, जिसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन, सर्कमडक्शन, सभी प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अचल संधि का दूसरा नाम है, तो अचल संधि का दूसरा नाम है फाइबर्स एंड साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट। अचल संधि का दूसरा नाम क्या है? फाइबर्स ज्वाइंट एंड साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट। याद रखिएगा, अचल संधि को हम फाइबर्स ज्वाइंट, साइनोथ्रोसिस ज्वाइंट, फिक्स ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट भी कहते हैं, और अर्धचल संधि को हम सिकली मूवेबल, कार्टिलेजियस या एम्फियार्थ्रोसिस ज्वाइंट भी कहते हैं, जबकि चल संधि को हम फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट, डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, स्वतंत्र रूप से चलायमान जोड़ यानी फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है साइनोवियल ज्वाइंट एंड थाइनोथ्रोसिस, डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट। दोस्तों डायर्थ्रोसिस, साइनोथ्रोसिस तो अचल संधि हो जाएगा, ठीक, एम्फियार्थ्रोसिस जो होगा वो अर्धचल संधि, जैसे कि मैंने डीएएस दास बताया हुआ है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पीवट ज्वाइंट के उदाहरण है, तो दोस्तों ये चल संधि का उदाहरण है पीवट ज्वाइंट, जिसमें सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होता है, जैसे कि हड्डी का, एक हड्डी का सीधा दूसरी हड्डी के नुकीले सिर पे घूमता है, सिर पर घूमता, जैसे हमारे सिर की गर्दन का ज्वाइंट हो गया, सिर गर्दन पे घूमता है, और एडियस हड्डी अल्ना हड्डी के ऊपर प्रोनेशन और सुपाइनेशन जैसी मूवमेंट करती है, तो ये भी आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा। गर्दन तथा हाथ के रेडियस अल्ना हड्डी क्या है? पिवट ज्वाइंट के उदाहरण है। याद रखिएगा, हमारा गर्दन और हाथ में रेडियस अल्ना हड्डी किसकी उदाहरण है? पिवट ज्वाइंट, जिसमें रोटेशन मूवमेंट होता है। नेक्स्ट दोस्तों, कलाई यानी रिस्ट में कौन सी संधि पाई जाती है? तो कलाई एंड रिस्ट, ये इसमें क्या हो रहा है? दोनों तल में गति हो रही है, तो जहां पे दोनों तल में गति होगी और घुड़न नहीं होगा, वहां पे होगा कॉर्निलाइड ज्वाइंट। और जिसमें एक तल में गति होगी, जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है उसी तरह एक तल में गति होती है, उसे हम हिंज ज्वाइंट कहते हैं, जैसे हमारा नी ज्वाइंट एंड एल्बो ज्वाइंट, जैसे एक तरफ ही हम इसको मोड़ सकते हैं, एंड उंगलियों का जोड़, जबड़ों का जोड़, ये हिंज ज्वाइंट के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट है संधि यानी ज्वाइंट को कौन सा तरल पदार्थ यानी संधि यानी ज्वाइंट में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है दोस्तों, तो ज्वाइंट के पास साइनोवियल नामक तरल पदार्थ भरा रहता है, साइनोवियल फ्लूइड भरा रहता है जो हमारे हड्डियों को लुब्रिकेट्स प्रदान करती हैं, आपस में घिसने नहीं देती हैं, और ये साइनोवियल जल्दी से खत्म अगर जल्दी साइनोवियल खत्म हो जाएगा तो हड्डियां जैसे हमारी मूवमेंट्स जो होती हैं गति जो होती है अवरुद्ध हो जाएगी। नेक्स्ट दांतों को उनके आकार के रूप में कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, तो चार भागों में दांतों के बांटा गया है, चार प्रकार के इंसीजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल, जिसमें से इंसीजर आप ट्रिक याद कर लीजिए, इंसीजर के नाइन प्रीमोरल मोरल 4-2-4-6 यानी कि आपके इंसीजर के नाइन प्रीमोरल मोरल यहां पे अभी मैं बताऊंगी। नेक्स्ट दोस्तों दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो दांतों की ऊपरी परत को जो सफेद वाला भाग दिखाई देता है उसको एनामिल कहते हैं, और हमारे शरीर की सबसे मजबूत हिस्सा होता है दांतों का एनामिल, कौन होता है दांतों का एनामिल। नेक्स्ट दोस्तों हिंज ज्वाइंट कौन सा है, तो हमारी कोहनी एंड नी एंड घुटना और उंगलियों का ज्वाइंट एंड हमारे जबड़ों का ज्वाइंट, जैसे जबड़ा भी हम एक तरफ ही कर सकते हैं मूवमेंट, तो ये हिंज ज्वाइंट का उदाहरण है। नेक्स्ट दोस्तों दांतों में इंसीजर कितने होते हैं, तो दोस्तों इंसीजर यहाँ पे देखिए इंसीजर केनाइन प्रीमोरल मोरल, तो 4-2-4-6 ऐसे करके ट्रिक याद कर लीजिए, तो 4-4 एक एक तरफ की बात हो रहा है यहाँ पे, तो 4-2-4-6 यानी 4 अगर 4-2-4-6 4-4-8-6-14-15-16 यानी एक तरफ ऊपर ऊपरी पंक्ति निचली पंक्ति एक एक पंक्ति का याद करने का सूत्र है 4-2-4-6 इंसीजर के नाइन प्रीमोरल मोरल, तो 4-4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2-2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4-4 कितना हो जाएगा यहाँ भी 8 हो जाएगा, और 6-6 यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी कि इंसीजर की संख्या कुल कितनी होगी 8 होगी, तो यहाँ पे गलत दिया है यहाँ पे 8 होगा दोस्तों। एंड केनाइन की संख्या कितनी होगी 2-2-4 होगी, एंड प्रीमोरल की संख्या कितनी होगी दोस्तों, तो प्रीमोरल की भी 8 होगी, एंड मोरल्स की संख्या कितनी होगी तो 6-6-12 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा श्वसन तंत्र से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, नेक्स्ट आपका होगा श्वसन तंत्र रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड वीडियो होगा। तो दोस्तों इसी तरह मैं एक एक टॉपिक को आपको ऐसे क्लियर करती जाऊंगी कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद मैंने बहुत सारे वीडियोज एमसीक्यू प्रैक्टिस बनाया हुआ है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे ढंग से बनाया हुआ है, एंड फिर भी मैं इस सभी टॉपिक को वन लाइनर क्वेश्चन खत्म करने के बाद मैं फिर से आपको एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराऊंगी अच्छे ढंग से, जो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।